जी मैडम, यह घर और दशरथ त्रिपाठी के सारी संपत्ति अब आपके नाम है। उस पर इनका कोई अधिकार नहीं है और न ही घर के किसी भी सदस्य का। चल छोड़, अब दस्तखत करते। समय भी कभी कभी बहुत बड़ा मजाक कर देता है चीजी। आपको अपने भाई पर भरोसा नहीं मिला? भरोसे की हद देख चुके छोटे, अब कुछ नहीं बचा। हमने सोचा था अपनी सारी संपत्ति तुझे देंगे और तेरे बाद वो हमारे लल्ला की और हमारी पसंद की बहू की होगी, लेकिन अब तो वो डायन आ गई। सारी संपत्ति यहाँ से अब वो डायन आ गई। फोकस आ गया, रेडी टू बी विलिंग एक्शन। लेकिन अब तो वो डायन आ गई है, सारी संपत्ति पर कुंडली मार के बैठ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी कामनी का स्थान तूने उस लड़की को दे दिया, अब हमें अपना सब वापस चाहिए। एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी, ना तुझे ना तेरी बहुरिया को। हमने कहा था ना, अब हम तुझे एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कौड़ी भी नहीं देंगे, ना तुझे ना बहुरिया को। हमने कहा था ना, ये लड़की जहां रहेगी उस घर में बर्बादी तो होनी ही है। अब रखो बिठा के। ये है? हाँ सर। थोड़ा सर, थोड़ा सा लेफ्ट। नहीं सर, आपकी लुक लुक लुक। ये सर, ये करेक्ट। हाँ चले आओ, गलो ओ लुक लेस। हाँ रोलिंग सैंक्शन नीचे। वन मोर रेडी रोलिंग एक्शन नीचे। आप लोग थाली को बहुत प्यार करते हैं ना, आप और पिपलो पापा। भाई थाली की वजह से ये हमारी हालत हुई। क्या हालत हुई है थाली की वजह से हमारी? हाँ सर, क्यों दीजिएगा। रेडी साइलेंस, वेरी गुड। कहाँ से? ये सर की क्यों से? धानी, धानी मर गई। रेडी रोलिंग, धानी मर गई। रोलिंग एक्शन। हाँ देखा है। गुरु से धानी मर गई वही से ले सर। रेडी आपने पूछ लिया मैम। रेडी रोलिंग एक्शन। हाँ देखा है, धानी मर गई। स्टॉप, क्या बोल रही है? आप लोग थानी से बहुत प्यार करते हैं ना, आप और विप्लव। आज थानी की वजह से दशरथ त्रिपाठी का ये हाल है। बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही हमारी, कभी थप्पड़ कभी थूक हम पर। भाई छोटे चल के। हाँ जी जी जी, जाओ बनारस के सबसे बड़े वकील को हमसे मिलने के लिए बुलाओ। दही बड़ी जल्दी जम जाता है मुंह में। किसी को जानते हो या नहीं कि हम काम भी किसी और से करा लें? टीटी बोले नहीं। कैसी बात? सुषमा जी ये थोड़ा रिएक्शन दीजिएगा जब वो सर आप हट जाइए। सर हट जाओ, बनारस का सबसे बड़े वकील को हमसे मिलने के लिए बोलो। अरे दही बड़ी जल्दी जम जाता है मुँह में। किसी को जानते हो या नहीं कि जाके काम भी हम ही को कर लें? जी, आप कैसी बात कर रही हैं, कैसी बात कर रही हैं आप? अगर आप कहें तो हम वकीलों की पूरी फौज आपके सामने खड़ी करते हैं, लेकिन ये तो बताइए कि आपको काम क्या है? जी जी गई बैठी सोफा पे, वसीयत बनानी है। तमाशा देख लिया, ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ गवा बैठेंगे चार दिन में। बेटे खो दिया उस कलंकिनी के हाथ, बची धुरहर भी मिट जाएगी। ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप जी? तो क्या है कि ये सब समय का हेर फेर चल रहा है, सितारे जरा गर्दिश में हैं। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हारी ये तसल्ली जाकर डालो चूल्हे में, समझे? तुम लाओगे वकील या किसी और को हम कहें? ठीक है जी जी,
हम अभी वकील से बात करते हैं, आगे दीजिए। सर ने आपको देखा है जो किया और वो वहां से निकले, राइट, वहां से